मैं एक देश का सिपाही हूँ, साथ में रैपिंग करूँ, थोड़ा हाइप डाउन हो जाती है तो फिर सब अपना पलड़ा झाड़ लेते हैं। तो मेरा उनके साथ थोड़ा मसला भी चल रहा था। परिश्रम कर इतना कि जीत तेरे कदमों में गिरे आकर, क्या पता अगले ही पल कामयाबी तेरे घर दस्तक दे। पता लगने उन्हें भी जो तेरे काम में करते हैं हस्तक्षेप, फिर जो भविष्यवाणी तेरे हाथ और तेरा मस्तक देख। एक ऐसे पुलिसमैन, एक ऐसे जाबाज पुलिसमैन जो कि पुलिसमैन है और रैपर भी। जब मैं ये बोल रही हूँ तो मुझे पता है आपके दिमाग में एक इमेज बन चुकी है, वो है पुलिस वाला रैपर की। इस समय मैं मौजूद हूँ द वेरी फेमस पुलिस वाला रैपर, म्यूजिक सेंसेशन, रैपिंग सेंसेशन ऑन इंस्टाग्राम। वेलकम टू जी न्यूज़ सर। सबसे पहले मुझे आप अपनी जर्नी के बारे में बताओ कि आपने रैपिंग कहाँ से शुरू की, कब से शुरू की, और क्योंकि आप एक पुलिस मैन है तो आप कैसे मैनेज करते हो वर्दी में काम करना और साथ में रैपिंग करना? देखो, रैपिंग का ऐसा था कि बचपन से ही शौक था मेरे को। जब मैं कोई 12-14 साल का था तो तब से मैंने रैप सुन लिया था, और सुन के ही मेरे को एक माइंड में ये चीज़ होना शुरू होगी कि यार ये कौन सी चीज़ है, क्योंकि म्यूजिक में मेरे को स्टार्टिंग से था, जब मैं बच्चा था ना म्यूजिक सुनता था, बट जब मैंने रैप सुना वो अलग ही चीज़ थी। मतलब बीट टू बीट आप रैप कर रहे हो, कुछ लिख रहे हो, तो वही आपको बताना अपनी लाइफ को लेके। तो मतलब 14 ईयर्स ओल्ड था तब मेरे को इस चीज़ का, मतलब रैपिंग का शौक पड़ गया था मेरे को। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने मतलब इस रैप में और ज़्यादा गया। बट ऐसा ही था ना, क्योंकि हम जहाँ से बिलोंग करते हैं ना, हमारे वहाँ पे ज़्यादातर या तो आर्मी में या पुलिस में, ऐसा ही हमारा कल्चर है JNK से, जहाँ से जम्मू से मैं हूँ, तो वहाँ पे ऐसा कल्चर है। तो घर वाले तब तक नहीं मानते किसी काम के लिए जब तक हम कोई उनके कहने पे कोई जॉब ना करें। लाइक हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, और ऐसी जॉब चाहिए बेल्ट फोर्स जिसमें मतलब एक इज्जत हो, है ना, तो वो लेना भी जरूरी होता है। और मेरे को शौक था स्टार्टिंग से आर्मी वगैरह ना, इसका भी बड़ा एक मैं मतलब फैंटेसी रखता था, तो मुझे उसका भी था, तो मैंने वो भी तैयारी रखी साथ साथ में, और मेरा हो गया पुलिस में। तो देखो अब ऐसा हो गया कि पुलिस वाला रैपर नाम मिल गया मेरे को, लाइक मैं रैपर भी हूँ और पुलिस वाला भी हूँ, तो ये मेरे लिए अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। तो अब आप यहाँ से आगे कैसे कंटिन्यू करने का सोच रहे हैं? आप अभी भी मतलब फोर्सेस के साथ रहना चाहेंगे, या फिर आप सोच रहे हैं कि आप सिर्फ रैपिंग को ही आगे अपना प्रोफेशन बना के चलेंगे? फिलहाल तो मैं यही सोच रहा हूँ कि दोनों को अगर मैनेज कर सकता हूँ तो कर लेता हूँ, अगर तो सही रहा। हाँ। तो अगर नहीं होगा तो फिर तो किसी एक को चूज करना पड़ेगा, तो देखते हैं। बट फिलहाल मैं दोनों को लेके चल रहा हूँ साथ, अभी मेरा मैनेज हो रहा है, तो जब तक हो रहा है तब तक करते हैं, नहीं तो बाद में देखेंगे। अगर फ्यूचर की बात करें, ठीक है, अभी आपने उनको बोला कि आप एक चीज कोई चूज कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो आप वो चीज क्या हो सकती है? ऑफ कोर्स रैपिंग चूज करूंगा। ऐसे सर मतलब कोई आप म्यूजिक रियलिटी शो में अभी आप कहीं आपने परफॉर्म भी किया था ना जी, तो अभी ऐसे कोई आपको ऐसे ऑफर आ रहे हो, आप अपना म्यूजिक वीडियो बनाने का सोच रहे हो, किसी के साथ आप कोलैबोरेट करने का सोच रहे हो, ऐसा कुछ? मैं आप क्या बोलूंगा, मतलब कोलैबोरेशन का ऐसा था कि जब मैं टाइम पे बहुत हाइप में था तब तो बड़े बड़े आर्टिस्ट लोगों ने भी मेरे को मतलब बोला था कोलैबोरेशन के लिए, बट वही ना, जब थोड़ा हाइप डाउन हो जाती है तो फिर सब अपना पलड़ा झाड़ लेते हैं। तो मैं कोलैबोरेशन कर भी नहीं रहा किसी के साथ, मैं अपना ही करूंगा और अपना ही चल रहा है। हाँ, मतलब जो आर्टिस्ट होंगे जिनको सपोर्ट की जरूरत होगी और जिनको मैं कर सकता हूँ, मैं उनको करूंगा और मैं करता आया भी हूँ। बट हाँ, किसी बड़े आर्टिस्ट का कोई मैं वो नहीं रखूंगा फिर, लाइक पहले जैसे था ना कि जब मैं हाइप में था तो उन्होंने आके मतलब बोला कि हम जैसा कोलैब करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो बाद में बंदे का दिल टूट जाता है, क्योंकि हम आर्टिस्ट हैं तो हमें इस लाइन का पता नहीं है बिजनेस क्या होता है ना म्यूजिक का। मैं एक देश का सिपाही हूँ और साथ में रैपिंग करता हूँ, मुझे इसका ज़्यादा पता भी नहीं है, बट अब समझ आ गया। तो कोलैबोरेशन का यही है कि मेरे को कोई लालच नहीं है, मेरे को कोई किसी की ज़रूरत नहीं है कि मैं, मेरे को करना ही करना है ऐसे कोलैबोरेशन, दो अपना खुद का इंडिपेंडेंट अकेले चल रहा है, सब प्यार कर रहे हैं, बहुत है। बेस्ट टॉप 3 रैपर इन इंडिया? टफ चॉइस तो नहीं है, बट मैं क्या ही बोलूं, मैं नाम लेना नहीं चाहता, बट बेस्ट है मैं बताता हूँ आपको बेस्ट, जैसे बोहिमिया, वो तो है मेरे लिए। हाँ। मेरा उनके साथ थोड़ा मसला भी चल रहा था, पता भी है लोगों को, बट अरेट भी, बट फिर भी मतलब वो टॉप लिस्ट पे है मेरे, तो वो रहेंगे, बोहिमिया है, रोहिमिया पाजी। तो उसके बाद रैपिंग में बोल रहा हूँ, जो हार्ड कोर रैपिंग करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, कृष्णा नंबर टू। और देखो 47 तो आजकल गाने कम निकाल रहा है, बट वो भी मेरे लिस्ट में है, तो मतलब ये मेरे लिए टॉप 3 है, जो मतलब जिनका रैप मुझे हार्ड कोर लगता है, फील आता है मतलब फ्लो वाइज भी और राइटिंग भी। तो और फैमिली आपके इसमें सपोर्टिव है, मतलब आपको कितनी आपको फेम मिल गई, पॉपुलैरिटी मिली, वही है कि एक टाइम पे था, अब भी है, फैंस हैं, धीरे धीरे आपके साथ सपोर्ट बनता जा रहा है वैसे लोगों का, तो फैमिली का आपका क्या इस पे आउटलुक है? फैमिली का जब से मेरा वीडियो वायरल हुआ था ना, जब मैं जॉब कर रहा था, अभी हाल ही में मैं ट्रेनिंग करके निकला था, 2 ही महीने हुए थे मेरे को ट्रेनिंग करके खत्म करके ना, तो उसके बाद मेरा वीडियो वायरल हो गया। हाँ। तो मतलब अच्छा ही लगा फैमिली को भी,
कि जॉब भी लग गई, लड़का फेमस भी हो गया, जो ये जाता था वो हो रहा है, तो अब उनकी मतलब मेरे को सपोर्ट है। और वही आपके वर्क प्लेस में सेम एनवायरनमेंट है कि वो भी आपको सपोर्ट करते हैं कि हाँ हाँ, वहाँ भी मेरे को फुल सपोर्ट, मुझे जो नाम मिला है तो मैं दोनों को मैनेज कर रहा हूँ और मुझे मजा आ रहा है। ये आपको लोगों से मिला है ना, प्यार मिला है पुलिस वाला रैपर। यस, और वो यही देखना चाहते हैं कि लाइक पुलिस वाला भी है और रैपिंग भी है, क्योंकि हर यहाँ पे रैपर सब गैंगस्टर बनते हैं, ऐसा ही तो चलता है ना, तो पुलिस वाला तो एक ही है ना, वो इंडिया के पास है, तो यस पुलिस वाला रैपर, गैंगस्टर नहीं है, पुलिस वाला रैपर। तो कुछ जाते जाते हमारी ऑडियंस को कुछ पंचलाइन, कुछ तू चाहता जो कुछ भी सब मिलेगा, रब की रजा से कर दे रब को राजी, तू अपनी मेहनत दिखा के झुकना पड़ेगा किस्मत को भी तेरी मेहनत के आगे, खुद को ऐसा बना के जो उठाना वो रहना है बाके, इसके लिए तू अपने नेक इरादे रख पक्के, तू निसंकोच लगा रहे अपना जुनून उस हद तक ले, परिश्रम कर इतना कि जीत तेरे कदमों में गिरे आकर, क्या पता अगले ही पल कामयाबी तेरे घर दस्तक दे, पता लगने उन्हें भी जो तेरे काम में करते हैं हस्तक्षेप, कटफिर जो भविष्यवाणी तेरे हाथ और तेरा मस्तक देख, अनदेखा कर उन सबको कमर कस के बस चलता चल, खुद में तो झांक तुझ में है आग, उस आग में पिघल कर देख, डट रहे संकल्प पे आगे तू चल के मंजिल से कम कर फांसले, फिर कितना भी हाफ ले मिलेगी मंजिल जब तुझे तो तभी तू सांस ले, मिली है जिंदगी तो कर कुछ ऐसा कि तुझसे भी जाए इतिहास बन, ये सब है संभव पर पहले खुद पे विश्वास कर। Z News.